हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज श्याम डाने एंड वेलकम टू माय चैनल एडवेंचर ही जिंदगी है। दोस्तों, आज का तीसरा दिन है यात्रा का, तो इस तीसरे दिन में क्या होता है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इस सीरीज का ये थर्ड वीडियो रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो भी पूरा देखिएगा और अगर आपने पहले दोनों वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो वो भी वीडियो जाके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के तीसरे दिन में ज्यादा कुछ होता नहीं है, जो कुछ होता है वो शाम को होगा। तो आज का पूरा दिन हमारे पास फ्री पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई घूम के आते हैं। तो मैं और मेरे सारे कजन मिलके हम लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं ये बात कहूंगा जो हमेशा आपसे कहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो गाइज, लेट्स कम एंड एंजॉय विद अस। तो चलो दोस्तों, अभी बात करते हैं यात्रा के तीसरे दिन की। तो तीसरे दिन वैसे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तीसरे दिन गांव के लोग अपने घर पर मेहमानों को खाना खाने के लिए बुलाते हैं और खाने में मटन यानी नॉनवेज होता है। खाना खाने के बाद कुश्ती का आयोजन होता है और कुश्ती का आनंद लूट के यानी कुश्ती खत्म होने के बाद मेहमान अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, तीसरा दिन पूरा मेहमानों के लिए होता है। इस यात्रा के ये तीन ही मेन यानी इम्पोर्टेंट दिन होते हैं, तो इसीलिए आज का दिन फ्री है और इस कारण हम लोग आज घूमने के लिए महाबलेश्वर जा रहे हैं। महाबलेश्वर इज अ हिल स्टेशन इन इंडियन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट रेंज साउथ ऑफ मुंबई। यानी महाबलेश्वर भारत के पश्चिमी घाट रेंज मुंबई के दक्षिण में एक हिल स्टेशन है। इसमें कई ऊंचे से देखने वाले जगह है, जैसे कि आर्थर की सीट। यहाँ के पश्चिम में सदियों पुराना प्रतापगढ़ किला है, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पूर्व में लिंगमाला वाटरफॉल एक विशाल चट्टान से गिरता है। वेना झील पर रंगीन नावे यानी बोट्स है, जबकि उत्तर में पंचगंगा मंदिर में पांच नदियां मिलती है। महाबलेश्वर अपनी स्ट्रॉबेरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा महाबलेश्वर शहर जिस चीज के लिए जाना जाता है वो ये है कि एसेंशियल रूप से खेत की ताजा स्ट्रॉबेरी और जिसमें रसबेरी भी शामिल है। इसके अलावा आप घर पर जेली, शहद, जाम और भी बहुत कुछ ले जा सकते हैं। टाउन बाजार से हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, चमड़े के सामान यानी लेदर आइटम्स, कोल्हापुरी के जूते यानी कोल्हापुरी फुटवेयर और भी बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। महाबलेश्वर घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है? मार्च से जून में। मार्च में जब पारा बढ़ना शुरू होता है, लेकिन यह अभी भी काफी सुखद है। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह इन परिवारों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन सीजन है, जो स्कूल के गर्मी में छुट्टियों के आसपास यात्रा की योजना बनाते हैं। जून से सितंबर महाबलेश्वर में हर साल औसत से भी भारी बारिश होती है। सुहावने मौसम और लुभाने वाले दृश्यों के लिए जाने जाने वाला यानी प्लीजेंट वेदर एंड ब्रेथ टेकिंग सीनरी के लिए जाने जाने वाला महाबलेश्वर गर्मियों की यात्रा के लिए निश्चित रूप से एक बेहतरीन स्पॉट है। गर्मियों के दौरान आपको वेरियस सनसेट पॉइंट, रमणीय उद्यानों यानी डिलाइटफुल गार्डन्स, शांतिपूर्वक झीले यानी पीसफुल लेक्स, ऐतिहासिक स्थले यानी हिस्टोरिकल साइट, राजसी झरनों यानी मैजेस्टिक वाटरफॉल्स और थ्रिलिंग एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद लेने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं महाबलेश्वर के मैप्रो गार्डन के। यहाँ पे मैप्रो गार्डन
रंग बिरंगे फूलों और स्ट्रॉबेरी के पौधों का मैनिक्योर किया हुआ लैंडस्केप, जहां मशहूर कैफे और खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। मैप्रो गार्डन महाबलेश्वर में एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है, जिसे परिवार और बच्चों के साथ उत्साह से भरा दिन यानी एक्साइटमेंट से भरा दिन बिताने के लिए देखा जा सकता है। This tourist hotspot has your sweet carving covered. इस उद्यान की पहचान महाबलेश्वर संस्कृति की कुंजी है, जहां देश भर से लोग स्ट्रॉबेरी, मलबेरीज, कीवी जैसे अन्य फलों की खरीदी के लिए आते हैं और पारंपरिक मैप्रो जैम, स्क्वैश और जूस मिक्स की खरीदारी भी ज्यादा होती है। किशोर वोरा महाराष्ट्र के पंचगनी में मैप्रो गार्डन में मैप्रो फूड्स के संस्थापक है। एक फार्मासिस्ट वोरा ने अपना निर्माण कारखाना स्थापित करने से पहले अपने घर से एक छोटे से कमरे से कंपनी की शुरुआत की। और दोस्तों, ये है मैप्रो गार्डन का कैफेटेरिया एरिया। मैप्रो महाबलेश्वर उत्पादों का एक संक्षिप्त नाम है, जो एक फ्रेंचाइजी है जो महाबलेश्वर में और उसके आसपास फल आधारित उत्पाद बेचती है। मैप्रो गार्डन इसी का एक विस्तार है और 1980s के दशक में हाई सिरप और जैम बनाने की प्रक्रिया को दिखाने के लिए स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं वेना झील के यहाँ पे, जहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी की जाती है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर इन महाबलेश्वर, मीन्स हाउ मेनी प्लेस टू विजिट इन महाबलेश्वर? फर्स्ट मैप्रो गार्डन, सेकंड विल्सन पॉइंट, थर्ड धोबी वाटरफॉल, फोर्थ लॉडविक पॉइंट, फिफ्थ मोराजी कासल, सिक्स टाइगर स्प्रिंग, सेवन पंचगंगा टेम्पल, एट केप पॉइंट, नाइन प्रताप सिंह पार्क एंड टेन हेलन पॉइंट। तो दोस्तों, ये कुछ फेमस स्पॉट है महाबलेश्वर में, जहां पे आप विजिट कर सकते हैं। यात्रा का आज का तीसरा दिन और आखिरी दिन है। कल हम लोग विजिट करने वाले हैं अलग अलग टेम्पल्स में, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा।
तो ये वीडियो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। तो दोस्तों काफी मजा आया इस प्लेस में विजिट करके। आई होप आपको भी ये वीडियो काफी पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं वीडियो के फोर्थ पार्ट में। टिल देन सी यू, गुड बाय, टेक केयर, मजे कीजिए, एडवेंचर कीजिए, क्योंकि एडवेंचर ही जिंदगी है। गुड बाय दोस्तों।